दू गाड़ी में ले जाने को सामान। हाँ आ गया नसीब। अच्छा फिर नसीब आप जितना एक बारी में ले जा सकते हो वो ले जाओ। हम निकलने लगे हैं एंड कोई पहले ची उदास होके बैठा हुआ है। छ्रोप कर दिया था हमने भाई। ओ नो सोई कुछ कहना चाहती है मामा को निकलने से पहले। बी सेफ कम बैक सून। नो नाराजगी ओके ठीक है भाई। इसके पानी की सिचुएशन ये है, फिर यहाँ है इसका पानी, फिर मेरी क्यूटी का पानी यहाँ है, फिर जो है ये बफे हो गया है सिस्टम। और मैं दिखाती हूँ आपको इसका लिटर, बहुत सारा लिटर हम इकट्ठा करके जा रही हैं इसके लिए। हेलो हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। नींद से आंखें भरी हुई हैं, 2:30 बज रहे हैं, हम निकल रहे हैं लाहौर के लिए। और हमने कुछ इस तरह से प्लान किया था कि हम सिंध वाले एरिया से जो है वो सुबह के टाइम वहाँ पहुँचे। सो दैट्स इट। सिर्फ सामान सारा यहाँ पे देख सकते हैं, बस अभी हम निकलेंगे। एक हमने बॉय को पिक कर लिया है, दूसरे बॉय को पिक करने जा रहे हैं जौहर। और मुझे लगता है कि यहाँ से लेके जौहर के दरमियान मैं तो सोने वाली हूँ। आपको मिलवाएंगे उनसे थोड़ी देर बाद। और अभी गाड़ी में बैठते ही मैं सोने वाली हूँ। और ये आ गई है भाई, एक मेंबर बढ़ गया है लाहौर ट्रिप पे जाने के लिए, उसने भी जाना है साथ में। तो ये अब नो मोर एंजाइटी जानू, बहुत जल्दी आएंगे हम। ओके ये देखे आपने, ये हम खुद ही साथ में चल रहे हैं। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। कबाब है ये, इसमें गाजरें हैं, इसमें खीरे हैं और इसमें कबाब है और नीचे बर्फ है और उसके साथ पानी है। पूरी पूरी दुनिया अपने अपने घरों के बिस्तरों पे सो रही है और हम रोड ट्रिप पे निकलने वाले हैं जिसमें हम गाड़ी में सोएंगे और जागेंगे, फिर सोएंगे, फिर वॉशरूम जाना चाहेंगे, फिर नहीं जा पाएंगे। मुझे जितनी चिढ़ है ना रोड पाकिस्तान के रोड ट्रैवल से, उतनी ही मेरी किस्मत में है काम वाइज। इतने मैंने शेंग्रीला के USAID के प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें काम के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मी टू ट्रैवल लाइक विद इन पाकिस्तान। आई वाज लाइक यार लमिया कोई ऐसा काम भी दे इंशाल्लाह जिसमें मुझे पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करना हो ना। मतलब अभी तो अपने पैसे खर्च करके बाहर ट्रैवल करती हूँ। सो या दैट्स दैट। मच्छर बहुत काट रहे हैं और बस अब हम गाड़ी में जल्दी से सामान भरेंगे और निकलेंगे। नॉन स्टॉप ही होने वाला है। लॉजिस्टिक्स गाय आप जरा जरा पेस अप कराएं ना चीजें। यू नो दिस डिले वाज बजटेड। दैट्स व्हाई यू डेलिबरेटली। ओके गाइस अभी ये सफर शुरू भी नहीं हुआ है एंड आई वांट टू टेक इट। हम एक और फ्रेंड को लेने आए हैं और लॉजिस्टिक्स गाय मेरा यहाँ पे निकल गया है गाड़ी से बाहर। मक्खी मच्छर मुझे खा रहे हैं गाइस और उन लोगों की सिगरेट्स भी ख़त्म हो रही। स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट, डोंट डू इट। एंड या सो ट्रिप में अभी तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ADM टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना हमारे। ADB कह रहे हैं हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पूरी रात हम सुकून से सोए, अब सुबह हो चुकी है और हमने क्रॉस कर लिया है हैदराबाद। हम रुके हैं रास्ते में, ये सेटअप बना हुआ है मेरे सोने का। यहाँ दो बॉयज़ हैं, वो आबिद है, वो एडी हैं। और अभी मैं गई लूँ और सारा इंतज़ाम मेरे पास है। हम लाइक टॉयलेट पेपर सैनिटाइज़र कुछ चाहिए, टॉयलेट पेपर सैनिटाइज़र फॉर यू वन टॉयलेट पेपर। जानू ये मुझसे किसी को प्यार नहीं हटा दो ना सॉन्ग, ये कौन सा सॉन्ग है? इसके बाद मैं तुम्हें ट्रोल कर रही हूँ। इधर देखो ये है वो इंसान जिसने गाना लगाया, आवारा हूँ। इधर देखो दिस सॉन्ग हैज बीन संग बाय उमर एंड हिज डैड। और ये तो मैं YouTube पे चला सकती हूँ, कॉपीराइट भी नहीं आएगा क्योंकि आपका ही है।
really funny name. जो तुम बता दूँ कौन से funny name में हम रुक रहे हैं. तुमने वो नहीं किया song, तुमने क्या 5% कवाली लगा दी है, कुछ और लगाओ. मैंने लगाया है. हाँ ये क्या लगाया है जी? ये तब से चल रहा है जब सब सो रहे थे. ओह मैन, आ गई है. तो चलना शुरू हो ना. मैं देखा मैंने क्या 5% कवालियाँ. हाँ ये क्या हुआ है? चार लोगों को आबिद ने भूखा रखा हुआ है. चार लोग भूखे जा रहे हैं अभी. मैंने क्या भूखा रखा हुआ है? क्या मुल्तान को रुकवा लेते हैं? वी हैड प्लान टू स्टॉप इन मुल्तान. थोड़ा सा और गुस्सा करो, मुझे कंटेंट मिलेगा. तुम लोग मुल्तान में रुकवा लेते यार, तू गुस्सा नहीं कर रहा. अभी हम हाईवे हरजाना पे हम उतरे हैं वॉशरूम वगैरह जाने के लिए. तो ये वॉशरूम से बड़े साफ़ हैं. यू जस्ट पे 70 rupees पर पर्सन. तो मैं अपने साथ वो टॉयलेट पेपर, सैनिटाइजर सब कुछ लेके निकलती हूँ. लेकिन गेस व्हाट, दे हैव टॉयलेट पेपर एंड क्लीन. ये देखिए इतना साफ सुथरा वॉशरूम है. अंदर से भी इतना साफ है. चार ऑप्शन है. बेबी को चेंज कराने की जगह है. इसमें एक्चुअली सोप है. इसमें एक्चुअली हाथ ड्राई करने के लिए पेपर टॉवल है. इसमें पानी आता है. इट्स वेरी नाइस एंड क्लीन गाइस. आई एम सो इम्प्रेस्ड. आई रियली होप बेशक पेड रखें लेकिन रखें क्लीन वॉशरूम ताकि सफ़र में आसानी. तो ये वाला जो क्लीन वाला लू है. हाँ पहले 50 का था, बहुत महंगा हो गया, अब 70 रुपये का हो गया. Sure. अच्छा फिर हम वहाँ पे मिलते हैं. वो वाइट टीचर आ गए. सेफ तरीके से बोल रहे हैं. कह रहे कोक सही. क्या नहीं सही? कोक नहीं सही. सही सेहत के लिए सही नहीं. अभी हम देखते हैं अंदर ही बैठेंगे कहीं. ये मेन्यू है अभी इनका. काफ़ी महंगा खाना है. आप एक को अंडे खाने हैं. लंच का टाइम आप लोग खुद कन्विंस कर रहे हैं. अंडे बनाने में क्या है, ब्रेकफास्ट के टाइम की क्या होते हैं, अभी बनाने में क्या है. मुर्गी भाग गई है तो अब वो कह रहे हैं हम पूछ के आते हैं कि लंच के टाइम अंडे मिल सकते हैं. न्यूयॉर्क का भी थोड़ा कराची टाइप सीन है इन द सेंस के वो इतना नमक ला देना. वो कहते हैं ना इतना ओवर स्टिमुलेटिंग सिटी है वो. लेट्स से यू कैन ऑलवेज चूज टू live in like you know the Tribeca's or the upper west side jahan pura ekdam hectic hai but otherwise it just feels very hectic and mujhe laga ki new york mein a very big part of my life was ye char logo mein se sabse desi insaan yahan hai chai thandi karne ka best tarika best. हमारे अल्लाह देता जिन्होंने हमें 10 घंटे में पहुंचा दिया लाहौर. लाइक 12 घंटे वैसे हम 2 घंटे इधर उधर रुके भी थे. और ये इतने कूल हैं कि हम इनको एडी कहते हैं. सो एडी इज हिज नेम एंड ही इज लिटरली द बेस्ट. लाहौर आ चुका है गाइस. स्वीट्स आ गया ना ये. लाहौर है तो पाकिस्तान में ही था यार. ब्लूम ब्लूम
देखो इधर ब्लूफील्ड हॉल भी है, वो सही बोल रहा था, स्कूल है। अच्छा स्कूल रिसेप्शन पूछ के आते हैं। दिस इज इट, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, आके बैठे हुए हैं। फिर एम पे हमारे साइड अच्छा जी मेल चेक करें, ई मेल चेक करें, दोनों कमरे में तो है। कोट शोट पहन के बाबू बाबू भट्ट तैयार हो गए स्पीच देने के लिए। गुड लक बाबू भट्ट। हम निकलने वाले हैं और बस सभी निकलेंगे यार, आपको दिखाएंगे। यार आज मैं बहुत ही जीरो एफर्ट तैयार हुई हूँ, नॉट लुकिंग माई बेस्ट, बट आई वाज लाइक चलो इजी पहनते हैं कुछ। ये सीन है, हमने जाना है रोज़ा समथिंग फार्म हाउस जो कि यहाँ से सिर्फ 15 मिनट्स दूर है। सो दैट वे दिस लोकेशन इज नाइस कि ये करीब करीब कल्चर ऑफ एक्सलेंस। सो हमारी जो फ्रेंड है साबिक को कहा मैं चाहती हूँ कि तुम स्पीच दो, लड़का एक हफ्ते से स्पीच तैयार कर रहा है। तीन दिन से स्पीच तैयार हो रही है, रिहर्सल हो रही है। जानू तीन दिन पहले तो लिखा था, सॉरी बिल्कुल जो है वो कंटेंट के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। सो दैट्स व्हाट आई डिड। दो दिन जानू कल लिखने हैं हम रात को और मेरे पास आयत की फोटो कर ली है। तुम अरे तुम वहाँ बैठ जानू, तुम कल बैठ के लिख नहीं रहे थे टेबल पे परसों? कल बैठ के मैं आयत याद कर रहा था जानू, तुम लिख भी तो रहे थे पॉइंट्स। व्हाट आर यू सेइंग? कल रात को मैं पॉइंट्स लिखना शुरू कर दिए थे। ओके सो हेंस प्रूव। ओके सो अब मैं वो स्पीच पूरी रिकॉर्ड करूंगी और आपको सुना। आप सब हंसेंगे। नहीं आबिद ने कहा है कि प्लीज मेरे हर सेंटेंस के बाद हंसना जरूरी है, तो यस हंसना जरूरी। हमारे ग्रुप में तीन लड़के एक लड़की, दो लड़के बेचारे बड़े देर से तैयार हुए बिकॉज इनका शावर नहीं चल रहा था, एसी नहीं चल रहा था। और ये तब है जब हम रूम चेंज करा चुके थे। हाँ एसी से तैयार होने का क्या ताल्लुक है? एक रूम में एसी नहीं चल रहा, हम दोनों रूम एक रूम का एसी ऑन करके रूम का दरवाजा खोल के आए हैं कि कुछ जरा दूसरे रूम में भी कुछ ठंडी हवा चली जाए। हम लेट लतीफ लोग आ चुके हैं। वाओ क्या हो रहा है, हम वाकई लेट हैं यार। हमें हमारी फ्रेंड ने बोला था कि टाइम पे आना, हमने कहा ऐसा थोड़ी होता है। ये अभी अभी जा रहे हैं ना, सब अभी आए भाई, अभी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, सब अभी अभी आए। ये हैं बॉयज और ये हूँ मैं। ये बॉयज फुल ड्रामेटिक एंट्री मारते हुए, ओ ये तो प्रेजेंट भी लाए, नाइस वेरी नाइस। अब उसका प्रेजेंट आज होटल पे खर्च कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैंने ये सोचा था कि वो हम अपने आप को प्रेजेंट दे रहे हैं। अब लाइक पैसे खर्च नहीं करने 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 हैं। ओह इट्स सो नाइस। Thank you.
गाइस अभी नहीं आए ब्राइड और ग्रूम और हम बिल्कुल लेट नहीं है, हम टाइम पे है। कराची वालों को पता होता है यार, सही सही कहते हैं कराची वाले, हम नहीं है लेट जाते। कैसा महसूस कर रहे हैं आप अब लेट नहीं है? मैं महसूस कर रहा हूँ जिस तरह मैं पहली बार किसी शादी पे टाइम पे आया। There's no pressure for being the only guy here. Actually, I've known Sajan for just about 5 or 6 years. So, but let's start with me being the first and last person between the food and the speeches. So I don't want to be that guy that takes a long time. You're doing that, it's a Lahori crowd, I realize that. So let's get into it. I can't really talk about the first time I met Sajal at the wedding, at her wedding. But the thing I most remember about that meeting was her loud and incessant laughter. Now my friend she was speaking to isn't that funny. In fact, nobody previously or since has ever laughed at his jokes that much. But Sajal found a way to light up the dull room that day. Later when I got to know Sajal a little more, I quickly realized that she had this unmatchable zest for life and an abnormally large brain and a curious love for cricket. It's a killer combination. Speaking of killer, she seems to have found just that kind of guy. I mean, I don't buy a guy with a well-toned physique and mysterious demeanor who works at the IT department for the Navy. Yep, he's definitely a spy. On a serious note, I would just like to say that Asad, you're a very lucky guy. And if this amazing person has chosen you as her partner, then a lot like her supporting Australia for cricket, I'm sure you are reliable and exciting at the same time. I'm sure she's very lucky to have you. Quoting from our creator himself, from Surah 30, Room, Ayat 21, وَمِنْ آيَاتِهِ إِنْ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَوْزَاجًا لِتِسْكِنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَادَةً وَرَحْمَةً إِنَّا فِي ذَلِكَ لَا آيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ. From the ayat, we have made mates for you, so you might find contentment. And between you, we have put love and empathy. This is an ayat for those who can ponder. Thank you. We just had food and we are so stuffed. I want to tell you guys something. Abhi na, bride or groom ne itna cute, itna acha, itne koi easy steps wala dance kiya. And I was just wondering, hamari desi shadiyon mein itna pressure hota hai ki kuch bhi karo lekin bas pyar show na karo. So I am so proud of my friend kyunki uska din hai. And I think I really, really, really feel कि हमारी society में, हमारे culture में, it should be more common for people to, you know, show love. It should be okay. लोग लड़े होते हैं तो हम कहते हैं या ओके फाइन, लेकिन जब कोई प्यार शो कर रहा होता है वी आर लाइक नहीं नहीं ये हमारा कल्चर नहीं है. सो प्लीज़ लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट. एंड ऑल्सो कोई बिटर कॉमेंट करने से पहले जस्ट आस्क योर सेल्फ why do you dislike people showing love. Sorry, I just lost my train of thought. So किसी भी बिटर कॉमेंट करने से पहले ज़रूर सोचें कि आपको बुरा क्यों लगता है कि कोई और प्यार शो कर रहा है. हमारे रिलीजन में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. भाई बहुत चीज़ें नहीं है, झूठ बोलना भी मना है, बुरी बातें करना भी मना है. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी समवन शोइंग लव, बी हैप्पी फॉर देम एंड इट विल ओनली अट्रैक्ट हैप्पीनेस एंड लव इन योर लाइफ. आई वाज जस्ट
observing. There's this female photographer and she's just not like taking pictures jaise ladkiyan hai na, like dar sehm ke liye. She was like in her element. So I just wanted to say to her and to you guys, mujhe badi badi khushi hoti hai jab un fields mein jisme aurte kam hoti hai unme main dekhu. So Shayan is covering this event. Hello Shayan. So since when are you doing this, like photography? 11 years. Are you serious? Like as a profession? Yes, as a hobby it was about 16, professionally 11. I know it doesn't look like it because I'm small, but 11, yeah. No, but all the best for it, and I really, really hope that, you know, you're doing it for Pakistan now, but you go internationally and hamara naam roshan kare. We are actually, we have our team, yes, we have our team set up in London and Dubai and Turkey as well. Are you serious? With the name like Shayan ke naam se? Yes, yes. Amazing. So where can people follow you? At Shayan Athar Photography on Instagram. Alright. Thank you. Good luck. Ab thak toot ke halat buri ho gayi hai. Because 12 ghante वैसे तो हम बड़े मज़े से आ गए, but उसके बाद ना बस like we don't have the same energy. तो इस वाली accommodation को हम छोड़ रहे हैं, like आबिद और मैं छोड़ रहे हैं, हमारे friends यहीं पे हैं, because ये बड़ी कोई अजीब व गरीब किस्म की वो जगह थी. वॉशरूम्स भी, जब कोई एक शावर लेता था तो पूरा वॉशरूम गीला हो जाता था. सो लाइक नॉट रिकमेंडेड एट ऑल गाइज. अब हम यहाँ से जाने लगे हैं, बड़ा ही अफोर्डेबल होटल है, होटल वन बाय पीसी. इट्स नॉट वेरी महंगा एंड इट्स ऑल्सो वेरी लाइक प्रॉपर नाइस. छोटा सा है, कॉम्पैक्ट है, बट बहुत साफ सुथरा है, तमीज का है. वहाँ पे जा रहे हैं, सोएंगे. एंड यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया, बिकॉज मैं रोड ट्रैवल के बाद एक दूसरी ह्यूमन बीइंग हो गई हूँ. मैंने ईद पे भी किया आप लोगों के लिए, मैंने हर दिन किया, बीमार थी तब भी किया, ईद ट्रांसमिशंस में भी, सॉरी अफ्तार ट्रांसमिशंस में भी किया, लेकिन अब रोड ट्रैवल के बाद ना मेरी कोई हिम्मत नहीं है कोई काम करने की. मुझे लगता है कि ये आराम से मेरा दो दिन का बीच में गैप बनेगा. मुझे नहीं पता मैं कब ये व्लॉग्स आप लोगों के लिए पोस्ट करने वाली हूँ, बट चलो यार छुट्टी बनती है, मैंने ईद के बाद छुट्टी की है. सो या सी यू टुमारो इंशाल्लाह. अब हम जा रहे हैं होटल वन बाय पीसी, और जब भी मैं कभी काम के लिए ट्रैवल करती हूँ तो वो इस बजट होटल में ठहराते हैं. सो आई नो कि बहुत कोई फैंसी एक्सपीरियंस नहीं है, मगर इंतहाई डिसेंट और बहुत कंफर्टेबल एक्सपीरियंस हमारा होगा. आई एम सो हैप्पी कि हमने ये अकोमोडेशन चेंज कर दी, बिकॉज मैं आपको कुछ बीटीएस सीन्स बताती हूँ. मेरी रोने वाली हालत हो गई थी. मैंने आबिद को कहा था मैं जा रही हूँ कल की फ़्लाइट से, तुम आते रहो कार राइड से. बट ऑफकोर्स वो नहीं हुआ, एंड आबिद सेड कि चलो हम किसी अच्छी जगह मूव कर लेते हैं ताकि ज़रा थोड़ा सा एक वेकेशन फील तो आए ना. अभी तो ऐसा फीलिंग आई थी कि कोई कैंप भी जो लगाता होगा ना किसी फॉरेस्ट में, उसमें भी इससे ज़्यादा सैनिटाइजेशन का प्रोसेस होता होगा जो हमारे पास सीन अवेलेबल था. सो बस अभी हम जा रहे हैं, और ये गुलबर्ग में है. दो हैं लाहौर में होटल वन, एक तो गुलबर्ग में है, एक कहीं और है, मॉल रोड. ना मॉल रोड वाला मुझे पर्सनली रिसेप्शन और माहौल के हवाले से ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि गुलबर्ग वाला जो होटल वन है इसके रूम्स ज़्यादा बड़े हैं. रिसेप्शन थोड़ा ज़रा स्लो सीन चलता है यहाँ पे, लेकिन उसके अलावा सब कुछ बहुत अच्छा है. सो या वी आर गोइंग देयर. एंड गाइज अब तहजीब बेकरी है लाहौर में भी. आई एम सो हैप्पी टू सी, और मैं चाहती हूँ कि कराची में कभी ना खुले ताकि कुछ हमारे पास लाहौर इस्लामाबाद से ले जाने के लिए हो कराची वालों के लिए. मैं लेके गई थी अपने पेरेंट्स के लिए, अपने इन लॉज के लिए बिस्किट्स, और इतने उनको पसंद आए, लाइक मेरे इन लॉज ने बार बार उसकी तारीफ़ की है. तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए तो लूँगी ही लूँगी, लेकिन अपने इन लॉज के लिए ज़रूर लूँगी. आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा. बाय बाय. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स में बता दें क्या देखना चाहते हैं. एंड वी शैल सी यू टुमारो, क्योंकि कल हमारे बहुत सारे मज़े के प्लान्स हैं. मैं आपको बताऊंगी क्या करने वाली हैं, और दैट्स इट. बाय बाय.